देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, नेहल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। क्या बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को मालेगांव शहर से असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहिए? एजाज खान गरीबों का मसीहा है, कौम का हमदर्द है और एक सच्चा इंसान है। वो किसी की मदद उसका धर्म देखकर नहीं करता और सच्चाई के लिए लड़ता है वो। उसको सच में मालेगांव शहर से इलेक्शन लड़ना चाहिए। और मालेगांव शहर में जितने भी आज तक इलेक्शन हुए, जितने भी पॉलिटिशियन आए, मगर आज भी मालेगांव शहर में जो खस्ता हाल है, मतलब आप रोड पर, सड़कों पर देख लो, कचरा पड़ा हुआ रहता है ना, रोड गटर सही से नहीं है, मतलब मालेगांव के हाल इतने मतलब ख़राब है क्या बता नहीं सकता हूँ। तो इसके लिए मतलब कोई ऐसा नेक और सच्चा इंसान आना चाहिए। एक्चुअली लोग ये बोलेंगे क्या बॉलीवुड एक्टर है वो बेहयाई फैलाएगा, मतलब यहाँ से अगर आएगा तो, मगर ऐसा नहीं है भाई। मालेगांव शहर को कुछ बनाना है तो उसके लिए एक लीडर चाहिए और वो एक सच्चा और नेक इंसान है। तकरीबन कुछ मंथ पहले मेरा एक सॉन्ग शूट था, उसके लिए राजस्थान से एक एक्ट्रेस आई थी। तो जब वो मालेगांव आई तो उसने मुझको कॉल किया, मैंने उसको एड्रेस दिया। घर के पास वो आई तो वहाँ पे इतना सारा कचरा पड़ा हुआ था। उसने वो एक्चुअली थोड़ी रिलीजियस थी, मतलब वो लड़की थोड़ा मतलब जो है उसको इस्लाम के बारे में थोड़ा पता भी, वो नॉन मुस्लिम थी। उसने देखा कि यार यहाँ पे इतना गंदगी वो सब, तो मुझको डायरेक्टली उसने बोला कि शमशेर यहाँ पर मतलब जैसे आपके इस्लाम में बोला गया है कि पाकी आधा ईमान है, और आपके मतलब शहर में तो इतनी गंदगी मतलब फैली हुई है, तो आप लोग साफ सफाई नहीं करवाते हो क्या यहाँ पर? तो मेरे मतलब जो है मुँह से अल्फाज नहीं निकल पाए और मैंने उसको मतलब उसका जवाब नहीं दे पाया, अब मैं क्या बताऊँ उसको। फिर मैंने मतलब घर से उसको लेके जाके होटल में स्टे करवाया, राधिका इन होटल में। तो जब उसने उस साइड आई तो बोले ये भी मालेगांव है क्या? तो मैं वही मतलब बताने का मकसद ये है क्या मतलब हमारा मालेगांव जो है सिर्फ मतलब किस चीज़ की सियासत में चला गया, ये ऐसा वो ऐसा, भाई ये सब छोड़ो। आज का जो टाइम है मतलब कोई भी बंदा हो जो काम करे, ऐसे कैंडिडेट को चुन के लाओ, वो कुछ भी करे, उससे हमें मतलब नहीं। हमारा काम होना चाहिए, हमारा काम करना चाहिए। और इसके लिए जो है ना आप ये सब मत देखो भाई, मतलब जो है ना। और मैं दुआ करूँगा कि मतलब एजाज भाई मतलब मालेगांव शहर से इलेक्शन लड़ ले, वो एक सच्चा इंसान है और उसको मतलब आप लोग मेहनत करो, चुन कर लाओ यार भाई, और इंशाल्लाह वो लड़ेगा। उसके अंदर हौसला है, वो मतलब जो है ना सच्चाई के लिए और मतलब जो ईमानदारी पर खड़ा हुआ है वो बंदा। मतलब मालेगांव शहर में अगर आ जाता है, उसने अगर कभी मालेगांव से इलेक्शन लड़ने का सोच लिया, तो इंशाल्लाह मालेगांव शहर को मलेशिया नहीं बॉम्बे तो बनाकर दिखाएगा, ठीक है। एजाज खान एक नेक और सच्चा इंसान है, मतलब उसको मतलब मालेगांव शहर से इलेक्शन लड़ना चाहिए। और मालेगांव शहर को ऐसा ही कोई शख्स मतलब जो आकर बाहर से आकर मतलब जो है सुधार सकता है। मतलब मालेगांव के जितने भी हमने लीडरान को चुन कर दिया, मगर आज तक हमने देखा कि सही तरीके से मालेगांव शहर में ना काम आता है ना करते आता है इनको काम सही तरीके से। और मालेगांव शहर में खस्ता हाल है, इतना मतलब सड़कें मतलब इतनी तंग है मालेगांव शहर में, ना अतिक्रमण सही तरीके से होता है यहाँ पे, ना रोड सही है, ना गड्ढे सही हैं, मतलब कचरा पड़ा हुआ रहता है। बहुत सारी मतलब जो है मालेगांव के जो मसले हैं वो सब सॉल्व होना चाहिए। उसके लिए हमें नेक और सच्चा इंसान चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड एक्टर है तो मतलब वो गलत होगा। एक्चुअली शूट पर तो बिहाइंड द सीन अगर आप देखोगे तो 100+ लोग होते हैं, और जैसे रोमांटिक सीन भी रहा तो हज़ारों लोग रहते हैं वहाँ पर। ऑन स्क्रीन मतलब कैमरा होता है, ऑफ स्क्रीन में वो लॉयल बंदा है, बहुत ईमानदार है, मतलब नमाजी बंदा है, और वो एक नेक और सच्चा इंसान है। और ऐसे इंसान को हमको चुन कर लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मैं मतलब एजाज खान तक पहुंचाना चाहूँगा किसी भी ज़रिए से, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई एजाज भाई मालेगांव शहर से आप इलेक्शन लड़ो, अभी बहुत कम टाइम बचा है। 29 जो अक्टूबर दोपहर में 3 बजे मतलब फॉर्म की लास्ट डेट है, इसीलिए मतलब मैं चाहूँगा कि उससे पहले पहले आप मालेगांव शहर आकर आप अपना मतलब असेंबली इलेक्शन का फॉर्म भर दीजिए। मतलब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और हमारे शहर की भी मतलब
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मालेगांव शहर में आकर, मतलब मालेगांव शहर के लिए कुछ तरक्की के लिए कुछ हमारे मदद करें। और एजाज भाई प्लीज़ प्लीज़ मतलब आप मालेगांव शहर से इलेक्शन लड़ो, ये हमारी दुआ है आपसे, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। और मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, हमारे मालेगांव शहर के बहुत सारे मतलब लोगों की तरफ से आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ स्टोरी लगाया तो उस पर मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि हाँ मालेगांव शहर से एजाज भाई को इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो एक सच्चा इंसान है, उसको मतलब मालेगांव शहर से मतलब फॉर्म भरना चाहिए। तो एजाज भाई प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप आओ मालेगांव शहर और इंशाल्लाह फॉर्म भरो, और हम तुम्हारे साथ हैं, मालेगांव के बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, प्लीज़।